230 के आसपास की सरकार गौतम राणे का तजुर्बा ये कह रहा है। आपकी आपकी बात का जवाब देने से पहले जो जी डॉक्टर साहब ने कहा आंकड़े की बात, तो मैं डॉक्टर मिश्रा जी से ये पूछना चाहूंगा। जी बड़े ईमानदार लोग हैं ये, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को ईमानदार कहते हैं। ये हमको सिर्फ इतना बता दें कि उत्तर प्रदेश में विगत 5 वर्षों में जो मानव अधिकार आयोग ने नोटिस इश्यू किया है कि आपकी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा अपराध हुआ है, इससे ही अपने आप को अलग कर पाएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो मिनिस्ट्री ऑफ होम ने पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट दिया है, क्या इससे अपने आप को ये अलग कर पाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोलते हैं, बड़ा साफ सुथरा झूठ बोलते हैं, बड़ा फर्निश्ड झूठ बोलते हैं। ये इस बात का डॉक्टर मिश्रा जवाब देंगे कि गोरखपुर में कानपुर का व्यापारी गया था, होटल में रुका था, पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला। गोरखपुर में एक प्राइवेट प्रतिष्ठित कंपनी के मैनेजर की हत्या हुई गाड़ी के अंदर, और ना जाने कितने अपराध हुए। उत्तर प्रदेश अपराध से गूंज रहा है, जिस पर मानव अधिकार आयोग ने रिपोर्ट भी दिया है। क्या इससे डॉक्टर कौशलेंद्र मिश्रा अपने आप को अलग कर पाएंगे? और रहा सवाल अच्छे शासन व्यवस्था की, कोरोना काल में जिन लोगों ने अपने लोगों को जी खोया है ऑक्सीजन के चलते, अव्यवस्था के चलते, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दे पाएंगे इन सब बातों का? नंबर एक बात। और नंबर दूसरी बात, जो आपने सवाल किया है, देखिए 12 से 17 की आपने बात किया, 12 से 17 में समाजवादी लोगों ने शासन किया, वो अलग बात है कि 12 से 17 का काम हम सही तरीके से जनता के बीच में नहीं ले जा पाए, और शमशान कब्रिस्तान ईद बकरीद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नाम, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धर्म जात संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता विगत 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को देखा और झेला भी। आज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता हटाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल नहीं है। इनके ठीक मुख्यमंत्री के पास ठीक ठीक ना, ऐसे इनके मैंने इनके मुख्यमंत्री के पास ना कोई विजन है, ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई एजेंडा है। ये गंभीर धाराओं में अपराधी थे जिन्होंने अपने ऊपर खुद मुकदमा हटाने का काम किया इस मौजूदा सरकार में। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं, झूठ अमिताभ जी बोलने मैं बोलना वाले चाहूंगा। लोग। ठीक ठीक जी कौशल कांत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं कहना ये जी चाह रहा था, जो इन्होंने बातें बोली उस पे मैं जवाब ये देना चाहता हूँ कि इन्होंने सब कुछ झूठ बोला। ये बताइए, ये तो गुंडों की सरकार चलाते रहे थे, उनके कुछ एग्जाम्पल आपको भी याद होंगे। वो राम वृक्ष यादव वाला केस तो याद ही होगा, जो जवाहर बाग में जमीन पे कब्जा कर रहे थे जब इन्होंने वालों पे गोली चलाई थी जी और करीब करीब 24 लोगों की हत्या की थी। ये इन्हीं के नेता थे। हाँ उसके बाद अगर आप देखें तो इन्हीं के नेता थे जिन्होंने आपके, एक अच्छा पत्रकार के ऊपर आपके पेट्रोल। आपके अरे हिसाब सुनिए, से, आपके हिसाब से हम सही देखिए नहीं देखिए थे। आपके अमिताभ जी, हिसाब देखिए से मिश्रा जी, अमिताभ जी मैं बड़े मिश्रा हम सही शर्मिंदा नहीं से थे। सुनता आप हूं क्यों और नहीं जवाब सही देता हुए? हूं। चलिए अब चलिए मान लिया, अमिताभ मैं जी चलिए मान लिया, मान नहीं लिया नहीं मैं क्या गलत था। आप गुंडों आप की क्यों नहीं सरकार सही नहीं साबित चलाते हुए? थे? आपने अपराधियों को छोड़ा नहीं था, चलिए मान आपने लिया, चलिए आतंकवादियों मान के लिया, ऊपर से आपकी केस नजर में वापस हम नहीं बेईमान लिए थे? हैं, आप आपने कितने ईमानदार मुजफ्फरनगर के लोग दंगों पे हो? केवल आपके एक तरफ के लोगों को कंपनसेशन देने पास की बात कर रही ईमानदारी का थी? सर्टिफिकेट है? क्या आपके पास आपने ईमानदारी का डिस्क्रिमिनेशन वाले काम सर्टिफिकेट नहीं है? किए? आप क्या तो माफी आपकी मांगने तरफ से वाले जो लोग भी हैं, काम किए, आपकी सरकार आप जाने लोग का, आप माफी कानून व्यवस्था की बात मत कीजिए। कानून व्यवस्था पे ही आपकी सरकार गई थी। हर आदमी गुंडागराज कर रहा था, हर आदमी वसूली कर रहा था, और एक ही जाति के लोग उस समय, ये समझ लीजिए कि करीब करीब 70% डीएम केवल यादव परिवार से होते थे, सीओ करीब केवल यादव परिवार से होते थे। ठीक, तो ये और एक आरोप एक आपके एक, एक सब, अरे आज सुन खाना लीजिए कौन ना, चला रहा अब है? आपने सुठाया है, और एक ही परिवार के आज खाना 27 कौन चला रहा लोग, है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक एक बात ही को नहीं परिवार स्वीकार के रहे हैं 27 कि हम लोग गलत हैं। प्रशासनिक भारतीय सेवा में जनता लगे हुए पार्टी थे। के लोग झूठ एक ही बोलते हैं, परिवार के सत्ताईस अपराधियों को लोग संरक्षण प्रशासनिक देते सेवा में। हैं। आप किस भारतीय मुंह से जनता बात पार्टी करते हैं? के आज शासनकाल के में समय में उत्तर कानून प्रदेश व्यवस्था के का राज अपराध है, के झूठ लोग आज के समय में उत्तर कानून प्रदेश के, व्यवस्था का आप राज है। कहना चाहते हैं भारतीय आप जनता पार्टी देखिए, की सरकार आप इस 2014 से मौजूदा लेकर सरकार 2016 को, के बीच में, मौजूदा सरकार को 2017 उत्तर तक प्रदेश की करीब करीब जनता 700 से हटाना ज्यादा दंगे चाहती हुए है। थे। ये आज झूठे कितने लोग दंगे हुए? हैं, एक भी ये दंगा नहीं बेईमान हुआ लोग है। हैं, आप ये इस अपराधियों को, तरीके भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने अपराधियों वाले को लोग, जेल में जगह इनके पास मिलेगी, कार्यक्रम अपराधियों है, के ऊपर इनकी बुलडोजर एजेंडा चलता है। ये रहेगा, झूठे लोग और हैं, हाँ अपराधियों के इस ऊपर तरह की बुलडोजर बात चलता ठीक रहेगा। ठीक आप एक एक ये एक बार मैं इंटरव्यू दोनों को आपके रोकूंगा, दोनों सर्टिफिकेट दोनों दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। के अंशु अवस्थी, अंशु अपराधियों अवस्थी, के एक एक मिनट रुकिए, आएंगे सर्टिफिकेट आपके पास दोबारा। अंशु अवस्थी, सरकार जो है टिकट देते हैं। मेरी राजनीतिक दलों से इस मामले में हमेशा असहमति रही,
मैं इस मामले में कबीर को मानता हूं जो 600 साल पहले लिख गए कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आखन देखी। राजनीतिक लोग हमेशा कागज का लिखा बताते हैं, मैं उसको नहीं मान पाता भाई, मैं तो जो आंख से देखता हूं उतना ही मानता हूं। या तो मैं अपने में बदलाव कर लूं या राजनीति अपने में बदलाव कर ले। किसी के आंकड़े गोविंद वल्लभ पंत से लेके आज तक किसी के हाथ में जो फाइल रही उसमें कभी कोई काला पन्ना लगा नहीं ना। बाबुओं ने जो फाइल तैयार की हर शासन में गुलाबी तैयार की कि नहीं, चाहे नारायण दत्त रहे हो, संपूर्णानंद रहे हो, ये अपना विश्वनाथ प्रताप रहे हो, कोई रहा हो, मुलायम सिंह जी रहे हो, मायावती रहे हो, कोई मुख्यमंत्री रहा हो, वीर बहादुर रहे हो, बाबुओं में तो ये गुण है ना अंशु अवस्थी जी। वो कभी उन्होंने गुलाबी के अलावा दूसरे रंग की फाइल तैयार की हो तो मुझे बता दो, मैं पत्रकारिता छोड़ दूं। और फिर सरकारें हार गई चुनाव कैसे, बगल में फाइल गुलाबी दबाए रहे और पता ही नहीं लगा कि दरी खींच ले गए लोग। देखिए अमिताभ जी, ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है और होना भी चाहिए, जिसमें जनता जनार्दन सर्वोपरि है। और जब कभी सत्ता को सरकार को घमंड हो जाता है कि वो उसका दुरुपयोग करते हैं जो मिलती है जनता की सेवा के लिए, तो जनता उनको सत्ता से बाहर उखाड़ कर फेंक देती। बहुत सारे प्रमाण है, हमारे दल के साथ भी ये हुआ और दूसरे दलों के साथ भी हुआ। लेकिन इस समय जो हालात है वो एक बात तो तय कर रहे हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश की जमीनी रिपोर्ट आ रही, ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि लोग अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। 2017 में बड़े भरोसे के साथ प्रदेश में लाए थे, लाना किसको चाहते, वादा किया, लाना किसको चाहते। अगर आपकी बात का पहला हिस्सा मानना पड़ेगा तो दूसरा सवाल तुरंत खड़ा हो जाएगा कि लाना किसको चाहते हैं। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए अभी का जो वो, हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता हमको आशीर्वाद देगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने एक आशीर्वाद तो तय कर, एक तो तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। अब उत्तर प्रदेश में जहां पर भी जो लड़ रहा है उसके साथ वो खड़ा है, लेकिन भाजपा को सत्ता से बाहर कर रहा है। और आप 10 मार्च को देखिएगा परिणाम, इतने अप्रत्याशित और चमत्कारिक होंगे कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। जिस भरोसे के साथ इनको सर माथे पर बिठाया था वो भरोसा टूट चुका है।